नमस्कार आप सभी को। मैं आज बात करूंगा FMS की उस योजना के लिए जिसमें गोल्डन कार्ड के लिए जिसमें सभी कर्मचारी अपने अपने पे जो आश्रित लोग हैं, अपने पे जो डिपेंडेंट लोग हैं, उनके लिए योजना बनाई गई है। और पूरा इसके बारे में संबंधित जानकारी इसी वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा आपको, उसमें डाल दूंगा। तो इस वीडियो में इस योजना के बारे में बताने से पहले मैं कुछ बातें आपको इसमें बताना चाहूँगा। इसको खोलने के लिए हमारे पास अपना एक एम्प्लॉय कोड है। एम्प्लॉय कोड को हम अपनी IFMS में एंटर करेंगे। जिसने अपना पासवर्ड बना दिया है वो तो अपने पासवर्ड और उस एम्प्लॉय कोड के जरिए उसको एंटर करेगा, उस साइट में एंटर करेगा। और जिसने अपना पासवर्ड नहीं बनाया है, जो भर सकने में जो उसको फिल करना नहीं जानता है, जो उसको भर नहीं पा रहा है, वो अपने DDO अपने खंड में जाकर इस योजना को से लाभान्वित हो सकता है, इस योजना से को पा सकता है। तो इस योजना के बारे में हमने इसको कैसे फिल करना है, क्या इस योजना के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले इस योजना के अंदर हमारे पास जिसका भी हम ये भरने जा रहे हैं उससे संबंधित जितने उसके बच्चे हैं, वाइफ है, पत्नी है और माँ बाप हैं, उन सबके आधार कार्ड, अगर वो जीवित अवस्था में है तो उन सबके आधार कार्ड और शायद और वो 9,000 से ऊपर की उनका वेतन नहीं है, मासिक वेतन, तो वो लोग इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इस योजना में कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं, कैसे इसको फिल कर सकते हैं। और ये सब जानने के लिए चलिए चलते हैं मेरी साइट पर। धन्यवाद। तो हम अपने IFS में आने के बाद इस प्रकार हम अपना कोड एंटर करेंगे इसमें और इसको सर्च में डाल देंगे। सर्च में जाने के बाद आपके पास दो निर्देश आएंगे। इन निर्देशों को अच्छे से पहली बात ही पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद दोनों को टिक करेंगे, प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे इसमें आ रहा राजेंद्र प्रसाद जोशी। अब इसको इसमें सब कुछ अपना भरने के पश्चात इसमें जैसे माता पिता की डिटेल है, फादर नेम, इसको भी क्लिक करेंगे। इसमें माता हैं, जो उनकी माता हैं उनको भी ले लेंगे। अब जैसे इसमें राजेंद्र प्रसाद जोशी आ रहा है लिखा हुआ, इसको हमने फिर हिंदी में भी लिखना है। इसके लिए हम जाएंगे फिर दोबारा गूगल के इनपुट टूल में, इसमें हम हिंदी टाइपिंग टूल लिखेंगे गूगल में जाकर सर्च करके। और हिंदी टाइपिंग टूल लिखने के पश्चात जैसे हम इसमें हिंदी टाइपिंग टूल लिखते हैं, उसके पश्चात हमें यहाँ पर से ये चीज़ मिल जाएगी। ये हमने सर्च किया, सर्च करने के बाद हम इसमें गए और ये गूगल का अपना हिंदी टाइपिंग टूल खुल जाएगा। इसको हम इंग्लिश लिखा हुआ डिफ़ॉल्ट आ रहा होगा, ये इसको हम हिंदी में कर देंगे। और यहाँ पर हम कुछ भी भरेंगे, जैसे हमने लिखा है राजेंद्र RAJENDRA, तो राजेंद्र, ठीक है। अब इसको इसको पूरी तरीके से हम यहाँ से हमने लिख रखे हैं, तो यहाँ से लेने के बाद हम इसको कट कर लेंगे या कॉपी कर लेंगे और यहाँ इसको भरेंगे। फिर हम इसको कट करेंगे, ये आपने इस तरीके से पूरे भर दिए। अब जैसे इनके पिताजी का नाम है, इनका भी हम लिख लेंगे पूरन चंद जोशी, ये हमने लिख रखा है। इसको फिर हम कट कॉपी पेस्ट के जरिए हम वहाँ आ जाएंगे। वहाँ आने के पश्चात फिर हम इसमें आने के पश्चात हम इनको फिर फिल करेंगे, फिर इसको इतने को ही हम फिर कट कर देंगे, फिर पेस्ट कर देंगे, फिर कट करेंगे इस नाम को
और फिर पेस्ट कर देंगे जी। अब इसमें आने के बजाय इनकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके डेट ऑफ बर्थ इनके कार्ड में होगी उस डेट ऑफ बर्थ को हम इंटर करेंगे। जैसे इनकी है 9/9/1947, बीस सैंतालीस आ जाएगा सर, 9वां महीना सितंबर, 9 तारीख ये ले लिया हमने। अब इनका आधार कार्ड नंबर है, इसको सही से देख लेंगे। जैसे इनका है 8067 2958, ठीक है, S58268926 89 जी। अब इनका मोबाइल नंबर हमको उपलब्ध नहीं है, कर्मचारी के ही अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं इसमें। ऐसे इनकी माता जी का डिटेल हम कर देंगे, इनकी माता जी का नाम है रमा जोशी। और वहीं से इसको हम हिंदी में ले लेंगे। इसमें भी इनकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, 26/4/1952। तो ऐसे करके इसकी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ से हम तरीके से फटाफट ले लेंगे। कर्मचारी इसको खुद भी भर सकता है बहुत अच्छी से, बनिस्बत दूसरों से भरवाने से, गलतियाँ होने से। अब इनका आधार कार्ड ले लेंगे, 9174630745 4561। फिर इनका फ़ोन नंबर इनका भी उपलब्ध नहीं है, तो हम इनका ही कर्मचारी का फ़ोन नंबर इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अब इनकी वाइफ, स्पाउस में सबसे पहले इनका डिटेल आएगा इनकी वाइफ के साथ। अब इनकी वाइफ का नाम आएगा, तो वाइफ की डिटेल भी भर देंगे ऐसे ही करके। इस तरीके से फिर इनके गूगल इनपुट में जा इनपुट टूल में जाके इनकी वाइफ का नाम भी हमने बना रखा है, इसको हम ले लेंगे। बहुत आसान रूप से इसको कर सकते हैं आप, जल्दीबाजी ना करें। ऐसे इनकी डेट ऑफ बर्थ भी इनकी इंटर कर देंगे हम, 16/1985। ऐसे ही फिर इनका आधार नंबर भी ले लेंगे हम, 9518। कोई भी आधार नंबर मिसमैच होने पर, तो ये इसमें सिर्फ ये है कि ये इसको आगे नहीं बढ़ाएगा। अगर कोई भी नंबर हम मिसमैच डालते हैं तो ये इसको आगे नहीं बनाएगा बढ़ाएगा। अब इसमें डिपेंडेंट की स्थिति शो करेंगे हम, बहुत काफ़ी इसमें पूछा है मैंने भी, तो तब मुझे भी पता चला है कि डिपेंडेंट जो कर्मचारी खुद होगा वो खुद इसमें डिपेंडेंट की स्थिति में यस आएगा बाय डिफ़ॉल्ट, और उनके साथ उनकी वाइफ, पिताजी इनके सेवानिवृत्त हैं। तो इतना करने के बाद हम
इसको सेव कर लेंगे। अब हम इनके बच्चों की प्रोफाइल में जाएंगे नीचे से। जब ये सेव कर लेंगे तो हम इन बच्चों की प्रोफाइल में जाएंगे और बच्चों का इसमें डिटेलिंग एंटर करेंगे। अभी इनके बच्चों की डिटेलिंग हमने इंटर कर दी है। अब इसी में हमने इनका नाम भी बना रखा था बच्चों का, तो हम वहीं से ले लेंगे। ताकि जल्दी हो जाए, वीडियो छोटा हो, अच्छा बन सके। हमने इस तरीके से इसके लिए सारी सेटिंग कर रखी है। जी, अब इनकी डेट ऑफ बर्थ भी इसी तरीके से पहले जैसे हमने भरी है, सेम वैसे ही इनकी डेट ऑफ बर्थ अभी भर देंगे। 31/10/2011। ऐसे आधार नंबर ले लेंगे हम इनका, 4819 4155 9060। नंबर गलत है क्या? 4819 4155 09 60। ऐसे ही इनका मोबाइल नंबर हम फिर इन्हीं का डाल सकते हैं, क्योंकि हमने कर्मचारी का ही, अगर उपलब्ध है इनके मोबाइल नंबर तो आप उनके अपने भी डाल सकते हैं, और नहीं तो कर्मचारी खुद अपना नंबर डाल के इसको डिपेंडेंट की स्थिति में जाके बच्चों को भी पहला बच्चा इनका शो हो गया। देखिए, अब इनको भी इसमें हमने ऐड कर दिया। अब ऐसे ही इनके सेकंड जो हैं सुपुत्र, उनकी डिटेलिंग लेंगे। उनको भी हम सन अनमैरिड मिस्टर क्षितिज के ऐसे हमने इनकी भी बना रखी है। इसी तरीके से हम इनका भी हमने लिख रखा था। इसको इंटर करने के बाद से इनकी डेट ऑफ बर्थ भी इंटर कर देंगे, 24/3/2007। ये देखिए, अब इसे इनका आधार नंबर भी ले लेंगे हम, 6041 7 44 8 0 47। मोबाइल नंबर भी हम इसी तरीके से ले लेंगे। अगर बच्चों का भी उपलब्ध नहीं है, और फिर इसको डिपेंडेंट में टिक करके इसको भी हम ऐड कर देंगे।
और इस तरीके से जब ये पूरी IFMS में आप अपनी एक प्रोफाइल बना लेते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं, तो इसको हम बहुत अच्छी तरीके से इसको देख लेंगे, रिवाइज़ कर लेंगे। अब जैसे इसमें देखिए मिडिल नेम इनका नहीं आ रहा है, हमने भरा नहीं था, नहीं आ रहा है। ठीक हो गया। हाँ, तो अब इसकी प्रोफाइल में देखें, इनकी प्रोफाइल में देखते हैं हम खुद, ये सेल्फ हमारे जो होंगे ये डिपेंडेंट की स्थिति में हो जाएंगे, और इनकी मदर इन पे डिपेंड है, इनकी वाइफ इन पे डिपेंड है, दो बच्चे इन पे डिपेंड है। और इसको अगर हम फिर इसको मिला लेंगे, इसको मिलाने के बाद ही हम इसको सबमिट डिटेल में, जब ये हमारी सारी डिटेल सही हो जाती है, तो फिर इसको हम टिक करके इसको हम यहाँ से सबमिट करेंगे। अभी हमने इनको सबमिट नहीं करना, मैंने सिर्फ आपको बताना था, समझाना था। तो इसमें आपने जब समझ लिया है, इसको भर लेंगे, मिला लेंगे सब चीज़, इसके खुद भरेंगे तो अच्छा है, ज़्यादा की सीख भी जाएंगे, और पूरी डिटेल इसकी मिला भी अच्छी तरीके से मिला कर इस कॉलम को टिक करके और इसको सबमिट कर देना है। तो यह खुद ब खुद हमारी DDO की साइड में चले जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आगे भी इसमें मैं आपको उचित जानकारियाँ देते रहूँगा, इसमें बने रहिएगा। धन्यवाद।